चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सिंगल फेस में ही चुनाव होंगे। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र को लेकर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है हरियाणा के साथ चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग ने तब घोषणा नहीं की थी, अब घोषणा कर दी गई है 20 नवंबर को वोटिंग है। झारखंड की बात करें तो यहां पर दो चरणों में चुनाव होंगे, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को। पहला चरण 13 नवंबर को, दूसरा चरण मतदान का 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के। वहीं आपको बता दें कि उपचुनावों को लेकर भी तारीखों की घोषणा जो है कर दी गई है। 13 नवंबर को 47 सीटों पर उपचुनाव होंगे, यूपी वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। हालांकि यूपी की 9 विधानसभा सीटों को लेकर तारीखों की घोषणा की गई है, मिल्कीपुर सीट को लेकर तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। बशीरहाट और मिल्कीपुर ये दो सीटें हैं जिनको लेकर अभी चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है। तो तारीखों की घोषणा कर दी गई है, चुनावों का बिगुल जो है अब वो बज चुका है। सभी पार्टियों ने हालांकि पहले से ही चुनावों की तैयारी करना जो है शुरू कर दिया था। तो महाराष्ट्र में सिंगल फेस में ही चुनाव होंगे। पहले चरण का जो चुनाव है वो 20 नवंबर को होगा और 23 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, मेरे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, तारीखों की घोषणा हो गई है, सिंगल फेस में इस बार महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं 20 नवंबर को। जी बिल्कुल, जितना इंतजार राजनीतिक पार्टियों का था को था इलेक्शन का, उतना ही लोगों को भी इंतजार था। लोगों को था कि कब चुनाव हो और कब वो अपना फैसला सुनाए। सबसे बड़ी बात है कि एक फेज में चुनाव हो रहा है, 288 सीटों पर एक फेज में चुनाव होना काफी बड़ी बात होती है। देखिए कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुद्दे रहेंगे, क्या आपको लगता है क्या मुद्दे इस बार हावी रहेंगे और अब एक फेज में चुनाव हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? सर, पहले तो लोकसभा के समय कुछ दूसरे मुद्दे थे, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव है तो मुद्दे बदल जाते हैं, उम्मीदवार बदल जाते हैं और वन टू वन, मैन टू मैन संपर्क में आ जाते हैं। हमें लगता है कि अभी जैसे लाड़की बहन योजना जो है बहुत कुछ गेम चेंजर साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव के समय ऐसा लग रहा था कि महायुति थोड़ी पिछड़ रही है, लेकिन दो बातें ऐसी हुई है सर, एक हरियाणा का चुनाव और दूसरा ये लाड़की बहन योजना। और असली नकली की जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, महाराष्ट्र के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं और उनके मन में निष्ठा होती है एक पार्टी से लेकर। अगर कोई उम्मीदवार आयन समय पे निष्ठा बदल देता है तो लोग उससे जरूर नाराज होते हैं और उसके परिणाम, दुष्परिणाम इस चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। आप वोट डालने जाएंगे? जरूर जाएंगे सर। आज चुनाव की घोषणा हो गई है, कैसे देखते हैं? लंबे समय से इंतजार था महाराष्ट्र के लोगों का, बहुत अच्छा डिसीजन आया और ठीक है। तो लोगों का इंतजार खत्म हो गया है, 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव।